दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक कोई पढ़ाना नहीं है, किसी भी टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। केवल आज का जो मेरा टॉपिक है, आने वाला कल जो है 15 मई 2019, कल एमपी बोर्ड के क्लास 10 और 12 का रिज़ल्ट आ रहा है। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स जो बेसब्री से बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, बच्चों के साथ साथ वो अभिभावक भी बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बच्चा, कब उनका जो छात्र, कब उनका जो पुत्र या पुत्री, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए एक कदम और बढ़ने जा रहे हैं। तो मेरा उन पेरेंटों से बहुत आग्रह है कि इंतज़ार करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार यदि बच्चा रिज़ल्ट ना ला सके तो प्लीज़ उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर क्रिएट ना करें, या किसी भी प्रकार का आप उसे दोषी ना ठहराएं, क्योंकि 3 घंटे के एग्ज़ाम के दौरान किसी भी बच्चे की लाइफ को इवेल्युएट नहीं किया जा सकता। और जो एग्ज़ाम है उसका जो रिज़ल्ट है वो आपके पूरे लाइफ को एक दिशा तो दे सकता है, लेकिन पूरी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता। इसका जो प्रदर्शन है, अच्छा रहा, बुरा रहा, एवरेज रहा, ये एक मात्र सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र है, एक कागज का टुकड़ा ही है। ये लाइफ की एक सीढ़ी हो सकता है, लेकिन लाइफ के अंत उद्देश्य नहीं है। तो प्लीज़ मेरे प्रिय अभिभावकों, बच्चों का जो भी रिज़ल्ट आए उसे आप स्वीकार करें और उसके अनुसार भविष्य में क्या करना है उसकी दिशा को तय करें। मेरा उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट लाएं, और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे रिज़ल्ट अच्छा ना ला सके, एवरेज लाएं, तब भी उनको मैं शुभकामनाएं ही दूंगा, क्योंकि सभी बच्चों ने प्रयास किया। तो कल 11 बजे जिन बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आता है उन्हें भी बधाई दें, और जिनका एवरेज आता है उसको उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें मोटिवेट करें, और क्योंकि वो किसी भी प्रकार का डिप्रेशन का शिकार ना हो। हमने भी देखा कि हमने भी पढ़ाई की, हम लोग सभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एवरेज रहे हैं, लेकिन आज सक्सेसफुल है। खासकर हम देखते हैं स्पोर्ट के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, बॉलीवुड के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, वो सभी, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड कमज़ोर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी डायरेक्शन में, अपनी स्ट्रीम में सक्सेसफुल रहे हैं। हो सकता है कि आप एक नए बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हो। तो फ्रेंड्स, इस कागज़ के टुकड़े को अंतिम लक्ष्य ना माने। तो सभी के लिए एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले रिजल्ट के लिए।